नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज। प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। भ्रष्टाचार, 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 ये हम नहीं कह रहे बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही चीख चीख कर कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में जितना बुरा हाल है उतना पहले कभी नहीं हुआ और ना देखा गया। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं अहिरवाल का लंद ना कहलाने वाले उस रेवाड़ी शहर की, जहां करीब 5 माह पूर्व शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा डोर टू डोर कूड़ा उठाने के नाम पर नगर परिषद द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके नई डंपर व छोटे वाहन मंगाए गए थे। लेकिन तब तक उन डंपरों को कभी सड़कों से कूड़ा उठाते किसी ने नहीं देखा कि शहर में पहले से बेहतर सफाई हो रही है। जहाँ तक डंपरों का सवाल है तो आरसी नहीं मिलने के कारण देरी हुई है। जल्द ही सभी डंपर सड़कों पर नजर आएंगे। रही बात पार्षदों की तो वो एक अलग बात है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है अधिकारियों को शहर की सफाई से कितना सरोकार रह गया है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई ये डंपर सड़कों पर आएंगे। लाखों रुपए खर्च करके जो डंपर खड़े हैं, फिलहाल वे शोपीस के तौर पे मतलब वहाँ खड़े हैं, पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मेरे यहाँ पे कोई टाइम नहीं है कि कितने बजे कूड़ा उठाना है कितना नहीं। 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में इनका टाइम दे रखा, टाइम अभी तक वाले डंपर भरे जा रहे हैं। सफाई का अगर देखा जाए शहर में तो बहुत बुरा हाल है। नगर परिषद 50 लाख रुपये पर मंथ खर्च कर रही सफाई का, इन सफाई के ऊपर, अभियान के ऊपर, जिसमें हमारे पास ये कहते हैं 177 तो कर्मचारी हैं स्थाई, 400 कुछ कर्मचारी हैं स्थाई और 62-65 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पे लिए हुए इन लोगों ने। इसमें एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आती है इसके अंदर। मैं नगर पार्षद वार्ड नंबर 11 अलका महंदीरत्ता का पति और समाज सेवी सुरेंद्र महंदीरत्ता बोल रहा हूँ। जो ये आज से कम 5 महीने पहले एक बड़ा डंपर और 2 छोटी गाड़ी खरीदी थी नगर परिषद रिवाड़ी ने कि ये वार्ड बाई वार्ड जाएंगी और कूड़ा जो है अनाउंस करेगी गाड़ी। और इसके लिए मैं प्रशासन को दोषी मानता हूँ। इसके अलावा दूसरा हमारे जो अधिकारी है वो स्टिक नहीं हो रहे, क्योंकि जब डंपर इतना खर्चा करा है हमारी नगर परिषद ने तो उसका यूज करना चाहिए। वो चारों तरफ शहर में कूड़े का इतना बुरा हाल हो रहा है, उठने उठता नहीं कूड़ा। डंपर मंगवाए हैं लेकिन 3 महीने हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक में सिर्फ ये तो 100 पीस बन के रह गए हैं, ठीक है ना। और भाई क्या बोलते हैं, इतने लाख रुपये खर्च करने के बाद भी आज भी सफाई नहीं हो रही है। ढेर चारों रेवाड़ी शहर में, चारों शहर में ढेर है, आज भी कूड़ा नहीं उठ रहा है।